बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कुछ नए काम, कुछ पुराने काम और कुछ यूनिक कामों के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त सुबह के 7:30 बजे हैं और मैं आया हुआ हूँ खेतों में। तो यहाँ पर आने का मकसद यही है कि मैं आपको दिखा सकूँ जहाँ पर जो कपास हुआ करती थी सारी, तो वो ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर गंदम काश्त कर दी गई है। और इन फसलों को दो तरीकों से पानी दिया जाता है। एक ये नहरी पानी जो कि अभी ये खुश्क हुआ पड़ा है, और दूसरा तरीका है जी ये ट्यूबवेल, तो इसे हम बोलते हैं जी खूह। ये सीढ़ियाँ बनी पड़ी हैं तो यहाँ से नीचे जाते हैं अगर कोई मसला बन जाए तो। इस वक्त शाम के तकरीबन 5 बजे हैं और मेरा आज का प्लान कुछ इस तरह था कि ये जो मिट्टी पड़ी है तो ये उठा के रखनी थी घर, जो कि ट्राली है खाला के घर, जो आज लेके आनी थी। लेकिन सुबह ही प्लान चेंज हो गया क्योंकि भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब है, मेरे ख्याल में तो थोड़ी बेहतर है, जो कि आज जा रहे हैं लोधरा, वहाँ से चेकअप करवाना है क्योंकि चेकअप करवाना बहुत ही लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दूसरा दिन, और कल के जो दोनों प्लान थे वो दोनों ही कैंसिल हो गए, जिसमें से एक ट्रॉली लेने जाना था और दूसरा जो है ना वो डॉक्टर के पास जाना था। जैसे ही तो कल शाम को ही बैग वैग पैक करने के बाद हम निकलने लगे थे, तो क्लिनिक कॉल की तो पता चला कि डॉक्टर नहीं है, तो फिर वो प्लान भी कैंसिल हो गया। तो अभी आज हम रूटीन के मुताबिक दूध और दही लेने चलते हैं। तो इस वक्त मैं अपने छोटे से बगीचे में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर जो सब्जियाँ लगाई थी तो वो अब उगना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैं भी गया था मेन चौक जहाँ से मुझे कुछ सामान चाहिए था, जो कि मैं सब्जी और गजरी लेके आ गया हूँ। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कर दें। तो फाइनली मैं खाला के घर पहुँच चुका हूँ जहाँ से मुझे हाथ वाली ट्राली चाहिए थी, जिसको हम अपनी ज़बान में हाथ वाली रेढ़ी बोलते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो मेथी के खेत हैं वो कितने बड़े हैं, और उसके अलावा हम शहरों में जो बनाते हैं वो छोटी छोटी क्यारियाँ होती हैं, जो ख़ुद मैंने बनाई है तो वो भी छोटी क्यारी है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी, यानी कि ऐसे समझ लें कि ये खेत है। ये देखिए जी, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक ये खेत है और इसके अलावा एक वो दूसरा खेत। तो ये टोटली मेथी काश्त की गई है। तो फाइनली ट्राली को मैंने मोटर बाइक पर बांध दिया है, तो अब इसको ले जाऊँगा अपनी शॉप पर, क्योंकि इसके व्हील का थोड़ा बहुत मसला है, तो वो वाले साहब दुकान पे इसको सेट करेंगे। तो फिर शाम को जैसे ही वो घर वापस आएंगे तो इसको लेके आएंगे। तो फाइनली मैं और ट्राली दुकान पर पहुँच चुकी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर वापस। ये है जी 125, हालत चेक करें इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर खैरियत पहुँच गया हूँ। तो आपको मैं दिखाने लगा हूँ कि ये इनके खाने का स्टाइल, दोनों टांगे अंदर है क्योंकि बंदर जो है ना वो बड़ी है इनसे। ये देखें जी, तो माशाल्लाह से अब इन्होंने भूसा खाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी शाम हो चुकी है, तो मैं अपनी वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।